पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अपने घर में तो कोई काम करता है नहीं, तो नानी की हेल्प कर रहा है अपने। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। तो उसकी नानी सिखा रही है उसको काम करना, ये देख ले। तू ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसे नहीं। तो पहले आप सभी को मेरे प्यार भर नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, तो स्वागत है आपके मेरे प्यारे से ब्लॉग में। तो जैसे कि आजकल खेतों में बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो खेतों में अब रुपाई का टाइम हो रहा है, तो गांव में एक्टिविटी क्या क्या होती है खेतों की, आप सबको अपने ब्लॉग से दिखाऊंगा। तो आज का ब्लॉग मैं सिर्फ अपने खेतों का बनाऊंगा, खेतों में क्या क्या काम हो रहे हैं तो आपको सारी दिनचर्या दिखाऊंगा। की बात की जाए तो आज का मौसम बहुत ही सुंदर हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे सब लोग अपने काम काज में बिजी है। बुबू जी हमारे यहाँ पर जला रहे हैं आग भैंस के लिए। बुबू जी हेलो बोल दो। सबके दिलों में बसाती है हमारी ऐसी बोली, जो भी आते हैं घरों में भर देते उसकी झोली। ये ना शहर कोई हमारा गांव पड़ता मेरा पौड़ी। लाया देखो पहाड़ी ढील में, देखो पहाड़ी लड़का फील में, कर रहा देखो पूरा चील में, पहाड़ों की ये ऊंची हील में। लाया देखो पहाड़ी ढील में, देखो पहाड़ी लड़का फील में। तो ताऊजी के लिए लेके जा रहा हूँ चाय, इसमें देखिए ताऊजी आज सुबह सुबह हमारा हल बाह रहे हैं। तो देख सकते हो सब लोग खेतों में काम में बिजी हैं, सब लोगों ने अपने खेतों में हल जोत दिया है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा अपने गांव के खेत, जो बहुत ही प्यारे दिखते हैं। अब रुपाई का टाइम है तो अब खेतों में हो रहा है काम, देख सकते हो यहाँ पे हल्का फुल्का। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा अभी खेत कितने प्यारे दिख रहे हैं, और जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर इस लोकेशन में, क्योंकि अब गुड़ाई उड़ाई सब हो चुकी है, इन्हीं खेतों में रुपाई का काम स्टार्ट होगा। और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, और एक धूप भी बड़ी बहुत मस्त मस्त लग रही है यहाँ पे। और सब लोगों ने अपने खेत में काम कर दिया है सुबह सुबह, और हम जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ। तो देख सकते हो काफ़ी प्यारी सुंदर लोकेशन है। हमारे ताऊ जी और ताई जी हल जोत रहे हैं हमारे खेतों में, देख सकते हो आप सुबह सुबह। तो सुबह सुबह 7 बज चुके हैं, हमारे ताऊजी खेतों में हल जोत रहे हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं दिनेव, दिनेव लगा रहे हैं यहाँ पे। पापा भी आ चुके हैं, ये देख सकते हो। सुबह सुबह खेतों में ऐसे आजकल गांव में ऐसे काम हो रहे हैं। तो दोस्तों आजकल गांव में खेतों में काफ़ी काम चल रहा है, कहीं पे गुड़ाई चल रही है तो कहीं पे खुदाई चल रही है, तो कहीं पे रुपाई का टाइम हो रहा है, तो सब लोग खेतों में बिजी है। तो इसी के साथ साथ हम भी अब थोड़ा खेत में जाते हैं, मम्मी की थोड़ा हेल्प करेंगे, थोड़ा हमने भी थोड़ा खेत को ठीक करना है। तो दिखाते हैं आपको आज की गांव की एक्टिविटी, बाकी सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा दिनचर्या कैसी रहती है गांव की, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। दोस्तों आप धान की फसल होंगे तो उसी के लिए रुपाई उपाई होती है, तो गाँव में सभी लोग अपने खेतों को सुधार रहे हैं, ये देख सकते हो। सभी लोगों ने अपने खेतों में हल जोत दिया है, देख सकते हो, और सब खेत बढ़िया से एकदम चकाचक बना दिया गया है। तो दोस्तों अभी हम इस खेत में पहुंच चुके हैं, अपने छोटे से खेत में, इसमें हमने घोत भी नहीं है, घोत की भी दाल भी खानी है बाद में, पहले हमें खेत सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मम्मी भी काम में लग चुकी है, मुझे भी काम में लगना पड़ेगा, और थोड़ा सा मम्मी की हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि यार अब मम्मी भी अकेले हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा सब काम। बताते हैं क्या क्या काम होता है हमारे। तो मम्मी यहाँ पर घोत के जो बीज होते हैं उनको छिड़क रही है यहाँ पर, ताकि फिर उसके बाद हम गुड़ाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे दब जाएंगे। तो हमारा वहाँ तक खेत है, तो देख सकते हो खेत की कंडीशन कैसी हो रखी है, लग रहा है मम्मी ने पिछले साल यहाँ पर कोई काम हम नहीं किया है ना, लग रहा है पिछले साल हमारा खेत जो है बंजर हुआ था, तो इसी खेत को हम सही करेंगे। तो हमने वो वहाँ तक पूरा खेत को सही करना है, अब मैं यहाँ पर गुड़ाई करूँगा। हिंदी में बोलते हैं इसको बॉस, मम्मी बोल रही है, लेकिन ये है कोहन पहाड़ी भाषा में, तो मुझे पूरा खेत को काम करना है, अच्छे से स्टार्ट। जैसे मम्मी यहाँ पर कर रहे हैं, मम्मी भी यहाँ पर काम में लग चुकी है, तो मम्मी के साथ साथ मैं भी अब थोड़ी देर में काम में लगता हूँ, ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए
और देख सकते हो धूप बहुत तेज है ये। इसके बाद हमने खाना भी खाना है तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और लोग बाहर नीचे काम में बिजी हैं। देख सकते हो हमारे गांव में कुछ लोगों के पास ट्रैक्टर भी है, छोटा ट्रैक्टर, जिससे वो खेतों में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं भी थोड़ा सा मम्मी की हेल्प कर देता हूँ वहाँ पे, तो थोड़ा लग जाता हूँ काम पे, तो फिर जल्दी जल्दी काम हो जाएगा तो हमें घर भी जल्दी जाना पड़ेगा। फिर मम्मी ऊपर वो करूँ, तो मैं भी पहली बार काम कर रहा हूँ आज घर का, इससे पहले मैंने किया नहीं था, अब प्रिंस भी आ चुका है काम में करने के लिए, नानी की हेल्प करने के लिए प्रिंस भी आ गया है, बोल रहा है मैं भी करता हूँ। तो देखो फिर प्रिंस भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है, थोड़ा पीछे होकर प्रिंस, हाँ तो दोस्तों अपने गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर जरूर आना और हो सके तो अपने घर में पक्का आना। इस टाइम पे रुपाई का टाइम हो रहा है और खेतों में बहुत सारा काम हो रहा है, अगर आपने इस काम में आनंद नहीं लिया तो कभी नहीं लिया फिर लाइफ में आके, हो सके तो छुट्टियां लेके आ जाओ अपने घरों में रुपाई उपाई करो बढ़िया तरीके से, ऐसे मौके फिर कब मिलेंगे कब नहीं क्या पता। और बाहर के लोगों को तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, लेकिन उनको एक बात बोल दूँ, आप भी एक बार ज़रूर आइए इधर पर और काम करिए। सही बताओ तो मैं थक चुका हूँ बहुत इतना काम करने में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम है तो मम्मी फिर भी लगी है काम में। हमारे पहाड़ के औरतों के लिए काम कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा काम वो कितना कुछ करके आ चुके होंगे सुबह से, कभी कहीं पे घास लेके आ चुके होंगे, कोई कुछ कर लिया होगा। तो प्रिंस भी कर रहा है अपनी नानी के साथ हेल्प है, तो प्रिंस को शर्म लग रही है, बोल रहा है मेरे को मत दिखाओ, कोई बात नहीं तेरे पापा देखेंगे वहाँ पे, पापा को पता लगेगा तेरे हमारे लड़का कितना काम कर रहा है। अब प्रिंस के पापा भी देखेंगे फ़ोन पे, जब भी वीडियो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि उनका लड़का भी काम कर रहा है यहाँ पे, नानी की हेल्प कर रहा है, कुछ तो कर रहा है कि मम्मी तो क्या बोला तू आते किसने किया काम उधर से करता ने आपने तो उधर से किया। अच्छा ज़्यादा कर लिया वो। छोटा ड्रोन आ गया, छोटा प्रिंस देखो आता है काम करना हाँ? ये देखो पहाड़ के बच्चे बच्चे काम करते हैं यहाँ पे, देखो ये ना छोटा है फिर भी काम करने में फर्स्ट है, ये शाबाश। तो प्रिंस भी अपनी ताई की हेल्प कर रहा है यहाँ पे, देख सकते हो लगाया भी काम में, अभी तो छोटा है और अभी से इतना काम कर रहा है। प्रिंस अच्छा लग रहा है हाँ? थक तो नहीं है तू नहीं। और तेरे पापा देखेंगे वीडियो है मैं क्या करूं? अच्छा देख हल्का और बना और कर थक गया, चलो अभी पानी डाल देंगे तेरे, ठीक है मज़ा आ रहा है हाँ। तो लेट दफे यहाँ पे चल बोल। आप देख सकते हैं अब मुकेश दादा काम करेंगे इधर पर, कर दिया ना प्रिंस दादा, हमने काम कर लिया है, अब मुकेश दादा की बारी आ चुकी है। सबसे ज्यादा किसने किया? सबसे ज्यादा प्रिंस दादा ने, नहीं किया तेरी। फिर आपने किया फिर मैंने किया है? हाँ तो हमारे कुसुम लेके आ चुकी है पानी, पहले मम्मी पिएगी फिर उसके मैं पीऊँगा। हमारे ताई जी भी आ चुके हैं खेत से, सुबह से लगी है 6 बजे से लगी है खेत में, अभी आ रही है 10 बज चुके हैं, अभी सुबह से नाश्ता भी नहीं करा बोलिएगा, अब घर जाके फिर ताई जी ने खाना भी बनाना है फिर इतना काम करने के बाद भी। ये देखो इसको भी लगी है पानी प्यास, इसने बहुत काम करती है आज, इतना छोटा इतना बड़ा बोतल पी रहा है। तो दोस्तों देख सो सूरज भी इतना तेज आ रहा है आज, और फाइनली हमारा काम सब कंप्लीट हो चुका है, और धूप भी देख सो कितनी तेज़ धूप लग रही है, और मौसम भी कितना प्यारा हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल लग चुके हैं, लगता है बारिश होने के चांस है। और ये देखो हमारे गांव के नज़ारे, खेत कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा खेत का काम हो चुका है पूरा, और अब घर को जाने की बारी आ चुकी है, अब घर को चलते हैं और बाकी अपडेट आपको देते रहूँगा, क्योंकि शाम को भी बहुत सारे काम भी और बचे हैं हमारे, तो उसके बाद सब एक साथ ब्लॉग बना के आपको पूरा दिखाऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहो ऐसे। तो प्रिंस के लिए यहाँ पर मम्मी लेके आ रखी है फ्रूटी, बेचारा खेत बहुत काम कर लिया इसने आज, मम्मी की हेल्प बहुत कर दी, अब इसको मिलेगा जूस। तो दोस्तों आम उड़ के पेड़ हैं बहुत सारे, तो मुझे आम तोड़ने हैं इससे, ताकि हम चटनी में आ रहे हैं आज की आम की चटनी, उसमें डालेंगे हम
कुछ और आइटम देखो आम दोस्तों, अब उसकी चटनी खाएंगे हम। तो दोस्तों एक आम तोड़ देता हूँ मैं हाथ से, क्योंकि चटनी में काम आएगा। एक आम ही तोड़ दिया मैंने, और देखो दोस्तों एक आम और रखा है। ये दोस्तों देख सकते हो हमारे घर में कितना पुदीना हो रहा है, ये पुदीना ही पुदीना। और हमें आम के साथ चाहिए पुदीना, ताकि चटनी बनाएंगे, मैंगो और पुदीना की चटनी बनेंगी आज, बोले तो आम और पुदीना की चटनी। तो फिलहाल दोस्तों पहले से छिल लेता हूँ मैं, उसका भी दिखाता हूँ आपको आगे को, ठीक है। तो आम और पुदीना यहाँ पर देख सकते हो, इन दोनों की चटनी बनेगी इसमें। तो दोस्तों मैंने पुदीना और चटनी और मिर्ची एकदम काट के रेडी कर दिया है, इसी की अब इसकी बनेगी चटनी। अब सच बताना किस किसके मुंह में पानी आ गया सबको देख कर। तो दोस्तों पहाड़ी सिलबट्टा हमारा, इसमें हम पुदीना पीसेंगे और आम को भी पीसेंगे, क्योंकि इससे इसमें बहुत स्वादिष्ट होता है। पहले से हम इसमें कम बनाते थे, हम मसाला सारा पीसते थे। तो दोस्तों देख सकते हो अब सुबह सिलबट्टे में इसको पीसेंगे, ऐसे 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 पहले पीसना पड़ता है इसको, ताकि इसको बारीक बना दें। तो दोस्तों आप देख सकते हो उसमें हम डालेंगे पुदीना, कि पुदीना को भी मिक्स करना है, क्योंकि पहले हमने आम को पूरा थेज दिया इसमें, मतलब मिक्स कर दिया है, उसके बाद डालते हैं। मेरे से तो हो नहीं रहा था, मम्मी आ गई है पीसने के लिए। अब देख सकते हो मम्मी की कलाकारी, ये इसको इस तरह से पीसा जाता है। अब सीख लिया मैंने मम्मी करना कर यार, तो दो मिनट कर लेगी। तो काम हम करने के बाद बन चुकी है हमारी चटनी, मम्मी दिखा, ये मस्त है कि हमने बना दी चटनी को। इसमें बस अब मसाला सला डालना है। तुम्हारी चटनी बनके एकदम रेडी हो चुकी है, इसमें डाल दिया नमक, धनिया, मिर्च, ये ऐसे से बना दिया। अब देखो थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हैं एक बार। आहा मज़ा आ गया दोस्तों, एकदम स्पाइसी हो रहा है एकदम, बहुत मस्त। आप लोग के मुंह में पानी आ गया होगा पक्का। तो खाना ना बन के हमारा रेडी हो चुका है सब, मस्त करके मम्मी सबके खाना वाना परोसे किया। चलो मैं डाल दे, दाल ठीक है, अच्छी बनी है, टेस्ट किया तूने। तो मम्मी यहाँ पे सबके लिए खाना ना परोस रही है, साथ में वहाँ चटनी भी है, और आज का खाना मैंने बना रखा है। देखते हैं लोगों को कैसा लगता है, घर वालों को आज। तो मम्मी ने खाना ना परोस दिया है, तो अब हम खाना ना खाते हैं, फिर तो उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ये देखो तो दोस्तों हमने खाना ना भी खा लिया है मस्त तरीके से, और आज का खाना बहुत ही स्पाइसी था और बहुत मस्त था, और चटनी भी। अब मिलते हैं आपको आपको अगले ब्लॉग में। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए हमारे ब्लॉग में ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखें।